नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में सीरियल डीडी फ्री डिश पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डीडी फ्री डिश से स्टार उत्सव चैनल हट जाने के बाद आप सभी लोग गुम है किसी के प्यार में सीरियल नहीं देख पा रहे हैं, जबकि 1 अप्रैल से पहले दोस्तों आप सभी लोग डीडी फ्री डिश पर ही गुम है किसी के प्यार में सीरियल बहुत ही आसानी से देख लेते थे। दोस्तों, अगर बात करें गुम है किसी के प्यार में सीरियल की, तो ये सीरियल पारिवारिक सीरियल है और इसमें विराट और सई की जोड़ी एकदम सुपरहिट है और डीडी फ्री डिश पर इस सीरियल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसके दर्शक भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर दोस्तों बात करें स्टार उत्सव की, तो स्टार उत्सव पे ये जो चारों सीरियल आते थे, राधा कृष्ण ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा और गुम है किसी के प्यार में, ये चारों सीरियल इतना ज़्यादा सुपरहिट हुआ, इतना ज़्यादा लोग देखते थे, जिसकी वजह से स्टार उत्सव का टीआरपी इतना ज़्यादा हो गया कि स्टार उत्सव को लालच आ गया कि हम क्यों ना फ्री वाले डीटीएच को छोड़ के, क्योंकि फ्री वाले डीटीएच पे स्टार उत्सव को मुनाफा कम हो रहा था, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना हम पेड वाले डीटीएच पे चले जहाँ पे हमको मुनाफा ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, स्टार उत्सव को ये नहीं पता था कि पेड वाले डीटीएच पे ऑलरेडी जो वहाँ पे सीरियल आ रहे हैं, वहाँ के जितने भी दर्शक हैं वो सारे उस सीरियल को देख रहे हैं और स्टार उत्सव को वहाँ पे जाने के बाद गुम है किसी के प्यार में, राधा कृष्ण अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन सारे सीरियल को वहाँ पे लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो चारों सीरियल है इनको डीडी फ्री डिश पर ही लोग पसंद करते थे और डीडी फ्री डिश पर जब आता था तो इसके दर्शक भी ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों, डीडी फ्री डिश से स्टार उत्सव को गए हुए मात्र 1 हफ्ता हुआ है और इन 1 हफ्तों में ही स्टार उत्सव की टीआरपी एकदम गिर गई है और हालत अभी स्टार उत्सव की ये है कि वो दोबारा डीडी फ्री डिश पर आना चाहता है, लेकिन जब तक डीडी फ्री डिश ई ऑक्शन नहीं करेगा तब तक स्टार उत्सव डीडी फ्री डिश पर नहीं आ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हम सिमारो नेटवर्क की, तो सिमारो नेटवर्क को बहुत ही अच्छा समय मिल गया है, क्योंकि सिमारो नेटवर्क अपने चैनल को ग्रो करना चाहता है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का राइट लेना चाहता है, जिससे वो अपने सिमारो उमंग चैनल पर प्रसारण करके अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सके और लोगों के बीच में फेमस हो सके। लेकिन दोस्तों, डीडी फ्री डिश पर सिमारो उमंग चैनल की भी मजबूरी है, क्योंकि जब तक चैनल को राइट नहीं मिल जाता है किसी भी सीरियल को दिखाने का, तब तक वो किसी भी सीरियल को नहीं दिखा सकता है। इस कारण दोस्तों, अभी तक सिमारो उमंग चैनल को गुम है किसी के प्यार में सीरियल का राइट नहीं मिला है, जिस कारण वो उसका प्रसारण अपने चैनल पर नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द सुमारो उमंग चैनल को राइट मिल जाएगा तो सुमारो उमंग चैनल पर गुम है किसी के प्यार में सीरियल का प्रसारण शुरू कर देगा। अगर दोस्तों बात करें कि डीडी फ्री डिश पर गुम है किसी के प्यार में सीरियल का प्रसारण कब तक हो सकता है, तो दोस्तों देखिए, अगर डीडी फ्री डिश पर ई ऑक्शन हो जाता है और स्टार उत्सव दोबारा फिर से डीडी फ्री डिश पर वापस आ जाता है, तो स्टार उत्सव पर ही आपको गुम है किसी के प्यार में सीरियल देखने को मिल सकता है। और वहीं दोस्तों, अगर बात करें हम सिमारो नेटवर्क की, अगर सिमारो नेटवर्क को ई ऑक्शन से पहले राइट मिल जाता है तो सिमारो उमंग चैनल गुम है किसी के प्यार में सीरियल का प्रसारण शुरू कर देगा, तो दोस्तों बहुत जल्द आपको डीडी फ्री डिश पर, चाहे सिमारो उमंग चैनल पर, चाहे स्टार उत्सव चैनल पर, आपको गुम है किसी के प्यार में सीरियल देखने को मिलेगा।